आप लोग खुश होंगे वादों गाइस। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूँ कोमलिया हाशिम, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करें, हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखें। तो आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग यार, वो है व्हाट इंडियन सेलिब्रिटीज थिंक अबाउट पाकिस्तान। यार बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना वीडियो को, लाइक करके शेयर करके कमेंट करके जाना, वरना ना जाना, वीडियो ही ना छोड़ना, चलते रहने देना, ठीक है? ये कर देना सब कुछ और देख लेते हैं क्या सोचते हैं। लेट्स स्टार्ट। कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसे तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। मुझे अक्सर एयरपोर्ट पर मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरा परिवार जो होते हैं, बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलत फहमी नहीं है। हाँ। ये कुछ चंद लोग होते हैं जो गलत फहमियाँ बना लेते हैं उसको। मुझे बड़े आराम से रखा गया, मेरी जो भी क्या कहना चाहिए मेहमान नवाजी में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुझे 5-star होटल में ठहराया, फिर सेट पर भी हमारे एयर कंडीशन वैन भी होती थी एक्टर्स के लिए। क्रिकेट करियर में एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था पाकिस्तान, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिला है। हम 1.5 महीने थे पाकिस्तान में और हर जगह गए, 5 वनडे खेले, 3 टेस्ट मैच खेला, और हॉस्पिटैलिटी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऐसा कभी मैं देखा नहीं हूँ। हर जगह होटल, लोग, खाना, फैसिलिटीज बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, हम चाहते हैं कि भारत ऐसे टूर करे। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान हो रहे थे, हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया, मेरे फादर से नेवी में थे तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमने जुगाड़ लगाया और वीजा लग गया और हम दो अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार, और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। हम दोनों की, मुल्कों की जबान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग, और हमारे यहाँ तो, और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं, आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उम्दा हैं। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है, और उनकी शिक्षा दीक्षा और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मेरे जो नाना थे वो वहीं रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बार एट लॉ थे। ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं, और इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। सर एक लोगों के रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है पिछले इतने सालों में, ये पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ पाकिस्तानी सभी फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आई लव पाकिस्तान। मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान लाहौर से रहे, हमेशा मैं आना चाहता हूँ और बहुत जल्द से जल्द आऊँगा। अपने ये थी यार वीडियो, और आर्टिस्ट जो होता है ना वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता है, जो पॉलिटिकल डिफरेंस है, पॉलिटिकल हेट जो एक दूसरे के लिए कुछ लोग शो करते हैं कि तू तो पाकिस्तानी है, तुम लोग तो ये करते हो, तुम लोग तो वो करते हो, ये लोग इस चीज़ में नहीं पड़ते। वो कहते हैं हाँ आए करे काम, इधर आके जो भी काम करना चाहता है वो करे, और इधर के लोगों की जो सब ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत लोगों को पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बाहर सा बंदा आया ना, कोई अंग्रेज़ आए, अंग्रूज आए, उससे पैसे ही नहीं लेते ये लोग।
क्योंकि मैं यहाँ तो एक रीजन होता है कि वो कैमरा होता है तो वो दिखाने के लिए पैसे नहीं लेते, यहाँ तो वैसे भी पैसे नहीं लेते। अगर आप जाओ ना कोई लाइक फॉरेनर आए तो वो मतलब पैसे पूछों का सीन नहीं होता, मतलब कहते हैं जी आप किधर से हैं, आप बाहर से, मतलब पूछते भी नहीं है, लाइक देख के ही पता लग जाता है कि यार टूरिस्ट आया है तो वो उससे पैसे जो है हमने नहीं लेने। वो जाहिर सी बात है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट ही करना होता है। हाँ, जाहिर है वो एक चीज पूरी इमेज जाती है पूरे वर्ल्ड में कि यार हम आए इधर और हमारे जरा भी पैसे नहीं लगे, तो बड़ा अच्छी चीज है यार, एक बहुत अच्छा एक इमेज जाता है पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का। और आए लोग यार विजिट करें, इंडिया से भी आए, करतारपुर कॉरिडोर जो खोला है उसमें भी इतने इंडियंस आए और सबने तारीफ किया ऑलमोस्ट के यार पाकिस्तान हम गए, लोग बड़े अच्छे हैं वहाँ के जो सोल्जर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो वेलकमिंग है, सारा वेलकम करते हैं वहाँ पे जाके। हम लोग भी नहीं गए, हमें जाना चाहिए यार करतारपुर साहिब, एक ट्रिप मारना चाहिए। आए हुए हैं यार इधर ओम पुरी जो एक्टर इन लॉ मूवी है उनमें उन्होंने काम किया हुआ है और अच्छा बता रहे थे कैसा रहा, बड़ा जबरदस्त सीन था, सारे बड़े अच्छे से मिलते थे और मुझे पूरा जो मिलना चाहिए था वो मिला, मतलब एक एक्टर को, और यही होना चाहिए हर कंट्री में, जाहिर सी बात है एक ही लोग हैं और एक ही जैसे हैं तो मिलजुल के रहना चाहिए पीस। और ये जो है ना सीन जो जाते हैं उधर एक्टर काम करने, फवाद खान, अली जफर वगैरह, ये जो आतिफ असलम, ये सारे, तो मुझे लगता है इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये एक्टर एक्ट्रेसेस एक दूसरे की इंडस्ट्री में काम करने जाने चाहिए। अभी वैसे तो बैन हुआ है आई थिंक सो कि पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस काम नहीं कर सकते, पता नहीं आई डोंट नो क्या रीज़न है जिसकी वजह से बैन हुआ है। तो आर्टिस्ट का यार कोई दुश्मनी नहीं होती किसी के साथ, आर्टिस्ट होता है वो अपना काम देता है वहाँ पे और काम के पैसे लेता है अपने, वो ये नहीं देखता कि भाई जान पाकिस्तानी है या इंडियन है या जो भी है, उसके अंदर टैलेंट है वो अपनी चीज़ डिलीवर करेगा, वो उसके बदले पैसे लेगा, दैट्स इट। अगर लोग उसको पसंद करते हैं अच्छी चीज है, नहीं पसंद करते वो उनकी अपनी मर्जी है। इस तरह जैसे फवाद खान को इंडिया में इतने लोगों ने पसंद किया, बहुत ज्यादा वहाँ पे उनकी फैन फॉलोइंग थी तो लोगों ने पसंद किया उनको। आतिफ असलम के गाने लोगों को बड़े पसंद है, अली जफर के बड़े अच्छे हैं, और उसके अलावा और भी एक दो एक्टर हैं जो गए हैं वहाँ पे जाकर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सीरियल्स हैं ड्रामा सीरियल्स वो लोग देखते हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे पूरे एपिसोड्स पड़े हुए हैं, लोग देखते हैं ड्रामास। तो ये नहीं है इंडस्ट्री का कोई वो नहीं होता लेना देना इससे, दुश्मनी पॉलिटिकल चल रही है या दो कंट्रीज के बीच में कुछ लोग करते हैं। तो बड़ा अच्छा यार था वीडियो, और मैं तेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ख्याल जरूर रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, मिलते हैं 1 2 3।